यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दीप दान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। एक मास तक चलने वाले कार्तिक स्नान व्रत का समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप गंगा स्नान करने में समक्ष नहीं हैं, तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के द्वार के सामने स्वस्तिक बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन चंद्रोदय होने पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। वहीं इस दिन भेड़ का दान करने से हर तरह के ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी के दर्शन करने का विधान है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीप दान करना चाहिए। रात के समय चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। इस दिन गाय को भोजन भी अवश्य कराएं। ऐसा करने से घर और परिवार पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:05 से सुबह 5:58 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में 3 या उससे अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। बताया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती है, देश की आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। एक बार स्वरभानु नाम का राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक आ गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन यह राक्षस अमृत पी चुका था इसलिए मरकर भी जीवित रहा। इसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के कारण सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढकने लगता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है।
कुछ लोगों के द्वारा कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर कोई भी ग्रहण नहीं लग रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप स्नान दान और चंद्रमा को अर्घ आराम से दे सकते हैं और अपना कार्तिक पूर्णिमा का कार्य पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।